है इन डेप्थ रीडिंग वाला, ठीक है। अब मैंने यहां पर भी क्या करा हुआ है, अगर आपको 100+ स्कोर करना है तो ये स्ट्रैटेजी है बॉन्ड स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। वो बॉन्ड स्टूडेंट्स कौन से वाले, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक्यूरेसी जो है 100% एक्यूरेसी रहती है, यानी जितने अटेम्प्ट करे वो बढ़िया रहेंगे, ठीक है। तो ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो अब इसमें क्या हुआ, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने जब ये 100+ स्कोर करना है जिन बच्चों को, उनके लिए सिर्फ आपको 19 चैप्टर्स अगर आप कर लोगे तो आपका ये स्कोर बन जाता है, 100+ स्कोर आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली ये जो चैप्टर्स अभी मैं लिस्ट करने वाला हूं, इसकी परसेंटेज काउंट जो आया वो आया अप्रॉक्सीमेटली 37%, ठीक है। जिसका मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली 100 से 110 मार्क्स के बीच का स्कोर, ठीक है। तो अगर आप इनको डिटेल में पढ़ लोगे चैप्टर्स को, सिर्फ 19 चैप्टर, सिर्फ 19 चैप्टर्स आउट ऑफ 91 अक्रॉस द 3 सब्जेक्ट्स, ये रहे वो चैप्टर्स, राइट। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ड्यूअल नेचर मॉडर्न फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी हाईएस्ट वेटेज इसकी है इस चैप्टर की, करंट इलेक्ट्रिसिटी जरूर करना दोस्तों, ठीक है। रोटेशनल मोशन, वर्क पर एनर्जी, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, हाइएस्ट वेटेज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, ये देखकर सब लोग शॉक में आ गए होंगे कि ये कैसे आ गया, ये आ रहा है दोस्तों, यही तो सरप्राइजिंग चीज है, ठीक है। इक्विलिब्रियम केमिकल और आयनिक दोनों, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मैथ के पास है प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स, ये प्रोबेबिलिटी ग्रेड 12 वाला नहीं है, ठीक है, ये ग्रेड 12 ग्रेड 11 वाला है, ठीक है। ग्रेड 11 का जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक है, दिस इज रियली सरप्राइजिंग, राइट। मेरे को भी काफी इंटरेस्टिंग लगा था ये। डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस नहीं, डिटर्मिनेंट्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, इंटीग्रल, इंडेफिनेट और डेफिनेट दोनों, और स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये तुम कर लोगे और अगर तुम्हारी 100% एक्यूरेसी है, ठीक है, तो दिस इज गुड इनफ।